हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आरएसडी फैमिली व्लॉग्स। गाइस, आई होप आप सब अपने फैमिलीज के साथ खुश और सेफ होंगे हमेशा की तरह। तो अभी आप देख सकते हो कि देवांशी स्कूल से आई नहीं है, फिर मैं बस जा रही हूँ देवांशी को लेने के लिए और लेकर आऊँगी, फिर आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, देवांशी को लेने जा रही हूँ मैं। और आज उनके स्कूल में ना गाइस वेजिटेबल बाइंग स्टॉल्स लगने वाले थे, तो देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है बच्चों का। विधि भी रहेगी सब लोगों की। आप देखो कि क्या क्या उन्होंने खरीदा, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ऐसे तो मैं बाहर नहीं कर रही, और फिर ये दरवाज़ा बंद कर लो। ये देखो गाइस, वानिया के सब भाग भाग के जाती है, उसको रोक रहे हैं फिर भी रुक नहीं रही है। वो देख रहे हो, बाप रे। तो कुछ बोलेगी नहीं वानिया, तुझे रिकॉर्ड कर रही बेटा। नहीं। आंटी से बात कर। अभी भागने में बिजी है फ्रेंड्स। देखो ये लड़की एक जगह रुकती नहीं है। हर जगह भागना रहता है। आ जाओ, थोड़ा सा लेट तो और होने होना है। फ्रेंड्स को हाय बोलो। वानिया हाय बोलो। हाय वानिया, हाय। देखो चश्मा लगा रही है, दूरबीन से देख रही है। देवांशी दीदी का नाम बोल फिर से। क्या नाम? बेटा नहीं, फिर से बोलो। देवांशी बोलो। देवांशी बिठा दो, बिठा दो, बिठा दो, पहले बैठेगा, जिसके बाद देवांशी का नाम बताएगी। बैठने दो। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, अब क्या नाम है देवांशी दीदी का? बोलो देवांशी। वेदांशी। हमारे स्कूल की, मतलब देवांशी के स्कूल की बस आ गई। देखते हैं उन लोग का अभी क्या रहता है। वानिया का रिएक्शन देखते हैं गाइस। कहाँ है दीदी? दीदी कहाँ है? ये देवांशी आ गई गाइस। ए नाम देखो गाइस, वेदांशी। वेदांशी, वेदांशी। चलो सो फ्रेंड्स, देवांशी के यहाँ बैग बहुत भारी लग रहे हैं, तो अब मैं लेने वाली। ला मेरे को दे, दे मेरे को। देखो अभी हेलो बोल रही है, अभी इतनी देर से हेलो बोलने बोला नहीं बोल रही थी। ला बैग लेती बेटा, बहुत भारी है। तो गाइस आप देख सकते, फिर से पहुँच गया देवांशी और उसके फ्रेंड अड्डे पर, क्योंकि यहाँ से उनको कुछ ना कुछ खरीदना रहता ही है आने के टाइम पे स्कूल से जब रिटर्न होते हैं तो। और पूरा दुकान खाली करने की कोशिश करते हैं ये लोग। रुका जाता है ना, तो फिर लोग देखो। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने वार्म वेलकम किया यहाँ पे वानिया ने। गाइस हो गई शॉपिंग, बहुत सारी चीजें। देखो क्या लिया है, फिर से ले लिया है वानिया ने पॉपी पॉप। गाइस पॉपी पॉप। वानिया को देखो, यहाँ पे हम लोग थोड़ा खड़े हो जाते कभी कभार, तो वानिया देखो अभी जाके ना किधर बैठी रिक्शे में, और बोलती मुझे फोटो निकालो। रहने दे, क्या हुआ? अच्छा उसको बैठना है, ठीक है ठीक है, हटा दो। तो अभी वानिया ये रिक्शा ड्राइव करने वाली है। देखो चल चालू है उसका। ए तुम लोग बताओ जरा क्या था तुम्हारे विधि, अपना वो भाजी भी दिखाओ जरा। तो गाइस जैसे मैंने बताया था आपको, बाइंग वेजिटेबल बाइंग इन लोग यहाँ पे आज बोलते हैं ना प्रोग्राम था, बच्चों ने क्या बाई किया है 20 रुपीज़ में वो देखते हैं। तो विधि के पास पहले चलते हैं। विधि ने बाई किया यहाँ पे टोमेटोज, कितने हैं? दो टोमेटोज है गाइस। और क्या लिया है देखो? तो भिंडी तेरी फेवरेट है, भिंडी तेरी फेवरेट है। तो गाइस देखो यहाँ पे विधि ने भिंडी और टमाटर दोनों ही चीज़ें 20 रुपीज़ में लिए। हालांकि भिंडी की क्वांटिटी जो बहुत कम है, लेकिन विधि के लिए बहुत है, वो खा सकती है आराम से। अब चलते हैं देवांशी की तरफ, तो देखते देवांशी क्या लेकर आई 20 रुपीज़ में अपने स्कूल के शॉपिंग करके स्कूल से। वाह, इसने भी भिंडी ली है। इसने सिर्फ भिंडी ली गाइस, क्योंकि इसको भिंडी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसने इसने भिंडी ली है 20 रुपीज़ में। तो बोलने का मतलब कैसा था एक्सपीरियंस तुम लोग का? और क्या क्या लगा था वहाँ पे स्टॉल देवांशी? हाँ बेटा, और कौन कौन से स्टॉल्स लगे थे भाजी के? हाँ हाँ, एक ही स्टॉल पे सारी सब्जी। कौन कौन सी भाजी थी? बीन्स,
शिमला मिर्च था, कुकुम्बर था और क्या था, कॉफी फ्लावर था, कॉफी फ्लावर और भिंडी, मतलब बहुत सारी भाजी थी और क्या था, मिर्ची। अच्छा लगा भाजी खरीद के मम्मी लग के जैसा? हाँ सब मिला था। हाँ ना, अब मत उठाना, नहीं देते, काट देती। वाने का पॉपी पॉप गिर गया गाइस, जाने दो। तो फ्रेंड्स देवांशी के स्कूल से एक और चीज़ मिली है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ घर पे चल के। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैं अपने ड्राइवर के साथ बैठी हूँ और वो यहाँ पे रिक्शा ड्राइव कर रही है। मैं तो लाइक कर रही हूँ, लाइक करती हूँ। हम लोग ना घर पे जा रहे हैं और वानिया को देखो कैसा लेट गई। वानिया उठ बेटा, उठ जा, बाद में आएंगे फिर से। हम लोग देख रहे गाइस, ये ना जाने के टाइम पे हम लोग जा रहे हैं तो ऐसा रोना चालू करती है। उठ जा उठ बेटा, उठो उठो, संभाल के साइड में रहो। देखो फ्रेंड्स गाड़ी आई सुन के तब जाके वो उठी है। चलो अभी बाय करते हैं, फिर हम लोग फिर से चालू। हम लोग अभी जाएंगे नहीं तो कल कैसे आएंगे। चलेगी साथ में? आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, चलेगी? चल बेटा, चलेगी तो चल तुझे छोड़ दूंगी वापस, अब नहीं जाएगी। चल बेटा बाय, तुम भी चलो बोल रही है ऐसा वो, है ना। वानिया चलो अभी बाय करो, बाय। गाइस अभी वो बाय करने की मूड में बिल्कुल नहीं है, चलते हम अभी। चलो फ्रेंड्स, बच्चों ने यहाँ पे बाय बोला, वानिया बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, मतलब उसको जब जाने का टाइम बताओ ना तो रोना चालू हो जाता है उसका, बैठ जाएगी और बैठ के रोना स्टार्ट कर देती है। गाइस यहाँ पे देवांश के डैडी को बहुत पसंद है जलेबी, तो मैं बस जा रही थी यहाँ से, मैंने सोचा यहाँ से ले लेते हैं, मैंने यहाँ से ले लिए पाव किलो जलेबी, वो बहुत होगी बिकॉज मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। चलो हमारे यहाँ का जो मंदिर है वहाँ का व्यू देखो आप कितना सुंदर लगता है, खास करके जो भी सराउंड, मतलब ये जो गेट है दैट इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ट्रीज। बहुत थोड़ा मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, मतलब आप बोल सकते ना ये जो पूरा मंदिर है ना इसके आसपास इतना ब्यूटीफुली पेड़ों से मतलब घेरा गया है ना, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ का पूरा व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल गाइस। तो क्या दिखा रही थी, तो देवांशी ने यहाँ पे जो भी चिप्स वगैरह लिए है वो दिखा रही है। गाइस अभी चलते हैं, जो लेकर आई वो जलेबी वो दे दूँ देवांशी को। तो निकाल के दे देते हैं गाइस, साथ ही साथ कुरकुरे भी। तो आइए फ्रेंड्स आप भी जलेबी खाइए और हाँ। देवांशी को बहुत अच्छी थी, उसने चेंज कर लिया, आप देख सकते हो गाइस वो चेंज करके आ गई है। थोड़ा सा खेलने का प्लान चल रहा है, अभी जाएगी खाने के बाद थोड़ा खेलेगी और फिर वो पढ़ाई का तैयारी होगी गाइस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि देवांश ने पूरा मुंह भर लिया अपना जलेबी से क्योंकि उसको बहुत पसंद है। कैसी है जलेबी, टेस्ट कैसा है, अच्छा है ना? ये भी खा ले। तो गाइस देखो देवांशी का जो पहला मतलब एक दांत है ना आगे वाला वो टूटने की वजह से थोड़ा सा अलग लगता है चेहरा, पर कोई बात नहीं। आज फ्रेंड्स देवांशी का जो दांत टूटा था वो आ रहा है, उसके डैडी बोल रहे आ रहा है, बोल रहे रास्ते में है, बस कब आ जाए वो देखना, आ जाए बस उसी का इंतज़ार है, फिर आपको वो भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया था कि देवांशी के स्कूल से एक और चीज़ मिली है, वो मैं आपको एंड ऑफ द ब्लॉग बताऊंगी। सो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको वो क्या चीज़ है जो उसके स्कूल से मिली है गाइस। ये मिला है देवांशी के स्कूल से, ये है एग्ज़ाम टाइम टेबल गाइस, ठीक है फ्रेंड्स। ये है देवांशी के स्कूल का एग्ज़ाम टाइम टेबल जो कि स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर की स्टार्टिंग में गाइस, ओके। अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही इसके पेपर्स शुरू हो जाएंगे, अब उसकी बस तैयारी करनी है। अब देखो कैसे करती है, ट्यूशन भी भेज रही हूँ, सब चीज़ हो रहा है, मैं भी करवा रही हूँ। तो आई होप गाइस सब अच्छा जाए, उसका पेपर वगैरह जो भी है एंड रिजल्ट्स अच्छे आए। थैली में तो भिंडी बहुत ही कम लग रही थी, अब उसको
ट्रांसफर करके देखते हैं एक थाली में कितना रहता है उसका क्वांटिटी की। 20 रुपीज़ का मुझे लगता है कम मिला होगा, देखते हैं। देखो गाइस, मतलब आप बोल सकते हैं कि 250 ग्राम्स मतलब पाव किलो भिंडी 20 रुपीज़ में मिली है, तो कम नहीं है। अभी हाँ मार्केट के हिसाब से जो भी देखो तो थोड़ा शायद लगेगा, बट फिर भी अच्छी मिल गई है। देवांशी को पसंद है, कोई बात नहीं। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें एंड ऑल के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें। गाइस शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो के बारे में। आपको भिंडी पसंद है तो कमेंट करें, जलेबी आपको कैसी लगती है वो कमेंट करके बताएं। गाइस देवांशी और विधि के शॉपिंग करने का आपको कैसा लगा टैलेंट, उन लोगों ने जो चीज़ें खरीदी वो कैसी लगी आपको? दोनों बच्चे ही ना छोटे छोटे, फिर भी उन लोगों को मतलब ये एक अच्छा चीज़ बोल सकते हो आप। स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे शॉपिंग की जाती है, कुछ भी हो कैसे शॉपिंग की जाती है। ऐसे छोटे छोटे वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रखते हैं जिससे बच्चों को समझ में आए कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं या कैसे करनी चाहिए। गाइस तो फिर मिलेगी गाइस हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, बाय।